लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर तुम्हारे पिताजी की कोई कमजोरी मेरे कब्जे में आ जाए तो वो मेरी पकड़ में आ सकती है, और तुम्हारी मदद के बिना मैं ये काम कर नहीं सकती। मुझे बताओ मैं क्या मदद कर सकती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? मेरे मुंह में भी पानी भराया, तुम ये कैरी क्यों खा रही हो? मेरा दिल करता है खट्टी खट्टी चीजें खाऊं। कैरी, इमली। तुम तो ऐसे मजा लेके बोल रही हो कि मेरा भी जी करता है कि मैं भी खट्टी खट्टी चीजें खाऊं है। लेकिन मैं खास वजह से खा रही हूँ। खास वजह से? कौन सी? मैं वो क्या? वो क्या? अरे बाप रे बच्चा, मौसा जी। अरे मौसा, आपका और मेरा दोनों का दीवाना निकल गया। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? ओहो, याद है आपको, मरने से पहले मेरी मौसी की एक ही तमन्ना थी कि मेरी शादी रेखा से हो जाए। अबे गधे की औलाद, मैं तुझे हजार बार बोल चुका हूँ, अब आखिरी बार बोलता हूँ। जब मौसी मर रही थी उस वक्त तू वहां नहीं था। अगली बार बोलूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। अरे मौसा, तेरी इज्जत के खजाने में कुछ नहीं बचा क्योंकि तेरी बेटी खा रही है खट्टा कैरी। कैरी खा रही है ना? हाँ। अपने बाप के बाग से खा रही है, कोई तेरे बाप के बाग से खा रही है? तुझे खाना है तू भी जाके खा। अरे समझे नहीं मौसा, समझे नहीं, खट्टे का मतलब नहीं समझे, खट्टा खा रही है मतलब आराम जादे की औलाद, मेरी बेटी पे कीचड़ उछालता है, तेरे लिए रेलवे लाइन नहीं, तुझे तो इसी फाटक में जान से मार दूंगा मैं। मार डालो फाटक पर, क्या यही मार डालो? मगर जब 6 महीने के बाद असलियत का पता चलेगा तो मुझे याद करोगे और खुद ही जाओगे रेलवे क्रॉसिंग पर अपना सर देने, अपने हाथ से हरी झंडी हिलाओगे और रेलगाड़ी को बुलाओगे। आजा मुझे मार। तुम यही रुकना, यहाँ से जाना मत। सच क्या है झूठ क्या है मैं खुद मालूम करके आता हूँ। बेटी, हमारी बेटी, तुम जानती हो ये भूषण आके हमारे पास कितनी गंदी गंदी बातें करता है। वो हमसे कहता है कि तुम उससे हो। हाँ, ये कह दो कि ये झूठ है, ये सच नहीं। नहीं डैडी, बिल्कुल सच है। क्या इसका मतलब है कि तुम माँ? कौन है वो कमीना जिसने हमारी बेटी की शादी होने से पहले ही शेर सिंह को नाना बना दिया? तुम हमको उसका नाम बताओ, हम उसके पूरे खानदान को मार के जमीन में गाड़ के उसके ऊपर ट्रैक्टर चला देंगे। नाम बताओ। एक शर्त पर, अगर आप मेरी शादी उसके साथ करवाएंगे तो नाम बताऊंगी। मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ कराऊं या उसकी अर्थी निकालूं, तुम नाम बताओ बस। रवि के बच्चे, ये तूने अच्छा नहीं किया। तूने शेर सिंह के मुंह पर थप्पड़ मारा है, एक बकरी होकर तूने शेर के जबड़े में हाथ डाला है, तेरी जिंदगी खत्म। देख लेना, मैं बिना फाटक की रेलवे लाइन पर उसकी लाश का कीमा बनाऊंगा, कीमा। डैडी, अगर आपने रवि को उंगली भी लगाई तो कल मैं आपको जिंदा नजर नहीं आऊंगी। आज जहां फैन लटक रहा है, कल वहां मेरी लाश लटक रही होगी। ठीक है सर। रवि, हमारे बेटे, हमारे लाडले, हमारे दामाद जी। दामाद जी, मद्रास जाने वाली गाड़ी पहुंच गई अहमदाबाद। शेर सिंह जी, मैं तो एक मामूली इंजीनियर हूँ। हाँ, वो तो हम जानते हैं, लेकिन इस वक्त गुजरी हुई बातों को भूल जाओ बेटे, हमारी बेटी कैरियां खा रही है। जाहिर बात है, गांव भर की कैरियां चुरा कर घर में रखोगे या तो चूहे खाएंगे या तो फिर तुम्हारी बेटी खाएगी। बेटे, वो बात नहीं है, वो उससे है। किससे है? उम्मीद से। किस किस्म की उम्मीद? अरे मेरे बाप वो मां बनने वाली है। अरे आप मिठाई नहीं लाए साथ में? मुबारक हो। मजाक मत करो जी, ये सब तुम्हारी मेहरबानियों का नतीजा है। अब चलो, वो तुम्हें याद कर रही है। लेकिन इस वक्त मेरे पास बहुत काम है, मैं इस वक्त नहीं आ सकूंगा, बाद में आऊंगा। आओगे जरूर ना? देखो, नहीं आओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उसने हमें धमकी दी है, हमारा अपना मन करता है कि हम कैरिया खाएं। हाँ, तुम जरूर आओगे ना?
आ गया मेरा राज दुलारा दामाद आ गया, स्वागतम। आओ आओ। रेखा कहाँ? रेखा ऊपर है, आओ चलो। नहीं नहीं आप बताइए, मैं खुद ही जाकर उससे बात कर लेता हूँ। चुप रहे, जाकर मेरे होने वाले दामाद के लिए चाय कॉफी का प्रबंध कर। चल, उसके लिए चाय कॉफी का प्रबंध मैं करूं? बंदूक से। जाता हूं, जाता हूं। बेटे बेटे क्या हुआ, क्या कहा उसने? क्या वो सचमुच मां बनने वाली है? जी हाँ बेटे, तो फिर देर नहीं करनी चाहिए। मैं इन कुत्ते की औलाद गांव वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। ये सब मिलकर एक ही सूर लापेंगे, कहेंगे कि मैं मेरा मुंह काला हो गया है। हाँ बेटे, मैं पंडित को बुलाता हूँ, फौरन तुम दोनों की शादी करवाता हूँ। शादी? हाँ, हमारे खानदान में शादी की बात माँ बाप करते हैं, माँ से पूछना पड़ेगा। उनकी इजाजत के बिना मैं कदम भी नहीं उठाता हूँ। मेरे घर आइए और मेरी माँ से बात कीजिए, चलता हूँ। उल्लू का पट्टा, मेरे घर आइए मेरी माँ से बात कीजिए, मैं माँ की इजाजत के बगैर एक कदम नहीं उठाता। जैसे मेरी बेटी को माँ बनाने से पहले माँ की इजाजत लेके आया था। बहन, मैं बहुत जलील हूँ, कमीना हूँ, पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात तो यह है कि एक ऐसी बेटी का बाप हूँ जो अपने बाप की इजाजत के बगैर अपने वक्त से पहले माँ बनने वाली है। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे बहते हुए आंसू की कदर करते हुए आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगी। बहन, तुम तो जबरदस्ती आंसू बहा रहे हो और वो भी गिरने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन तुमने मेरी माँ को इतना दुख पहुंचाया है कि एक मुद्दत से आंसू बहते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते। माँ इस शादी के लिए एक ही शर्त पर राजी हो सकती है। मंजूर है बेटा, तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम हुक्म करो बस। तुमने शक्ति और मुनीम को मेरी बहन पर जुल्म करने के लिए भड़काया, अब उनसे जाकर कहो कि वो अपना सलूक बदल दें, प्यार और हमदर्दी से उससे पेश आए। हे भगवान, जब से तुम इस गांव में आए हो मेरे लिए समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा। सबसे पहले वो लोग अपने अच्छे बनने का सबूत पेश करें। हाँ, मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, बाप बेटे खुद घर का सारा काम करें, उसे आराम करने दें, और फिर कल सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी में गोदावरी में डुबकी लगाकर, वो लोग ना, वो लोग, हाँ वो लोग, गोदावरी में डुबकी लगाकर, भीगे हुए कपड़ों में माथे पर विष्णु का टीका लगाकर मेरे घर के सामने उछल उछल कर, कूद कूद कर, घूम घूम कर, जोर जोर से जय गोविंदा के नारे लगाएं। आज सुबह सुबह क्यों, मैं तो कहता हूँ आज रात को ही डाल देते उन्हें पानी में, जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा। बस यही एक शर्त है, जिसको पूरी करने के बाद तुम्हारी बेटी इस घर की बहू बन सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे होने वाले दामाद जी। तुमने कहा उस लड़की को अपनी बहू बनाओ, मैंने बना दिया। तुमने कहा उस पे जुल्म करो, मैंने कर दिया। अब तुम चाहते हो मैं गधे की तरह घर का काम करूं? अमीन बोझू, ये कोई इंसानियत का पटियाला है? अरे वाह, गांव वाले देखेंगे तो मेरे मुंह पे थूकेंगे। गांव वाले अगर तुम्हारे मुंह पे थूकते हैं तो थूकने दो है? तुम क्या हमारी खातिर थोड़ा सा थूक बर्दाश्त नहीं कर सकते? हम जिंदगी और मौत की कसमकस के बीच में फंसे हैं और तुमको थोड़े से थूक की फिक्र है? ये काम बहुत जरूरी है, करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा। और कोई चारा नहीं है? करता हूँ ना, मैं क्या इनकार कर रहा हूँ। अरे पिताजी, ये क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं किए थे। अरे नहीं बेटी, क्या कर रही हो तुम? तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज से काम यही करेंगे। तुम जाओ 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 करो। नारायण दास, देखो इस सारी जमीन पर हमें जगह जगह धब्बे नजर आ रहे हैं, इन्हें साफ कर देना, आईने की तरह बिल्कुल चमका देना इसको। हा? हम चलते हैं, शक्ल नजर आनी चाहिए। हाँ, आईने की तरह चमकाना, शक्ल नजर आनी चाहिए। चमकाऊंगा, ऐसे चमकाऊंगा कि तुम घर में बैठे रहोगे, शक्ल यहाँ नजर आएगी। शैतान कहीं का। मेरा बाप उल्लू का पट्टा, एक कॉन्ट्रैक्टर को क्या से क्या बना दिया। ये क्या कर रहे हैं? मुझे करने। अरे ये क्या कर रही हो बेटी, हमने अभी तुमसे कहा था ना कि तुम बीमार हो, आराम करो। देखो जब घर में दो दो बैल मौजूद हो तो भैंसों को इंसान को साफ करे, तुम तो महान हो ना। जाओ बेटी जाओ, जाओ आराम करो, जाओ जाओ बेटी जाओ। हमारी बातें क्या सुन रहे हो? भैंस सूख रही है, पानी डाल के साफ करो इसको अच्छी तरह। और देखो वो उसके पिछवाड़े पे बैठक पे गोबर लगा हुआ थोड़ा सा, वो गोबर को अपने हाथों के साथ साफ करो, फिर नाखून के साथ उखाड़ उखाड़ के बाहर निकालो। चलो, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी कभी नहीं हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्टर भैंसे की बो साफ कर रहा हो। भैंसा कहीं का, एक मेरा बाप है, पापी कहीं का बुरे काम का बुरा नतीजा। अरे अरे, ये खड़े खड़े झाड़ू क्या मार रहे हो मुनीम?
जरा कमर झुकाओ, झुका के झाड़ू मारो। अब तो हद हो गई बुरहानपुर की, मुझसे ये घटिया काम नहीं होता, मैं झाड़ू नहीं मारूंगा। तुम झाड़ू नहीं मारोगे, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। गोली मार दूंगा, गोली तो ऐसे मारते जैसे हलवाई मक्खी मारता है। मुझे गोली खाना मंजूर है, मगर झाड़ू नहीं मारूंगा, मैं गोदावरी में डुबकी लगा लूंगा। गोदावरी से मुझे याद आया, तुम लोगों को गोदावरी में जाकर ठंडे ठंडे पानी के अंदर डुबकी लगानी है। तुम्हारा मतलब मैं गोदावरी में डुबकी लगा के जान दे दूं? नहीं, मरना नहीं, अभी तुम्हें बहुत काम करना है, पहले काम करो उसके बाद मरो। आंखें फाड़ के क्या देख रहा हूं, चलो चलो जाओ चलो। मैं नहीं जाऊंगा, झगड़ा आपका और पिताजी का है, मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ। रवि, तुम्हारा तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा, तुम्हारे तो बिल्कुल बदल गए हैं, तुमने शेर को बकरी बना दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुनीम और उसके बेटे दोनों को गधा मजदूरी करना भी सिखा दिया, काम करवा करवा कर उनकी हालत बिगाड़ दी। अब तो खुश हो ना, तुम्हारा प्लान बिल्कुल कामयाब हो गया। इस कामयाबी की सारी जिम्मेदार तुम, अगर तुम माँ बनने का ढोंग इतनी खूबसूरती से ना करती तो वो लोग मेरे हाथ में कहाँ फंसने वाले थे। ये सब तुम्हारी कलाकारी का कमाल है, मुबारक हो। क्या कहा ढोंग? मेरी बेटी मेरे दुश्मन के साथ मिलकर ढोंग करके मेरा सर नीचा करना चाहती है। हाँ मौसा जी हाँ, मैंने अपने कानों से सुना, वो दोनों अपनी कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। मैं आज ही उनका फैसला करता हूँ। चलिए, गर्भवती होने का नाटक, माँ बनने का ढोंग, नई बेटी मुझे बेवकूफ बना रही है, वो भी मेरे दुश्मनों को जिताने के लिए। डैडी मर गया। डैडी, आज के बाद तुम्हारा इस घर से बाहर निकलना बंद, अगर तुमने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो डैडी, डैडी, डैडी। हुसैन, इस नाटक को बंद करने के लिए मुझे फौरन इसकी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। इसमें सोचने की क्या बात है मौसा जी, याद नहीं मरते वक्त मौसी ने क्या कहा था, बेटा भूसी तू ही रेखा से शादी कर लेना। बेटा भूसी हाँ? अगर तूने शादी या मौसी लफ्ज दोबारा इस्तेमाल किया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा और खुद फांसी पे चढ़ जाऊंगा। सब मुनीम जी हाँ? आज हम बहुत खुश हैं। क्यों? हमारी बेटी बहू बनकर इज्जतदार घराने में जा रही है। घराना तो पहले से इज्जतदार था, आपने पहचानने में देर की। पहले पहचान लेते तो मार खाते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं आना।